खाना लगा दूं? ये क्या कर रहे हो तुम? अरे वो बस ये जूता साइड से ना उखड़ गया था तो इसी को चिपका रहा हूँ। अरे तो नए जूते ले लो ना, इनको फेंक दो। अरे नहीं, जूता तो ठीक है, बस साइड में से थोड़ा सा फटा है, इसको अभी चिपका दूंगा। और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि मेरे पैरों में कितना अच्छा लगता है ये जूता, तो मुझे नए जूते लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन्हीं को चिपका लूंगा। तुम एक काम करो, तुम खाना लगाओ, मैं हाथ धो के आता हूँ। ये लो तुम्हारी चाय। ये क्या सरजेश, तुमने ये शर्ट क्यों पहनी हुई है? ये शर्ट कितनी पुरानी हो गई है, देखो तो जरा इसकी हालत। अरे इतनी भी पुरानी नहीं है, ठीक तो है, काम चल जाएगा। क्या ठीक है, जरा इसकी हालत देखना, ये बटन भी टूटे हुए हैं इसके, और तुम इसी शर्ट को पहन के घूमते रहते हो। मैं तुम्हें कितनी बार बोला हुआ है कि प्लीज अपने लिए नए कपड़े ले लो, पर तुम की सुनते ही नहीं हो। अरे यार एक ही तो बटन टूटा हुआ है, मैं लगवा लूंगा टेलर से, इट्स ओके। और अरे यार मैं तो भूल ही गया, मेरा फोन नीचे रखा हुआ है और मेरे फोन पे ना मेरे ऑफिस से कॉल आ रही होगी। चलो मैं चलता हूँ भाई। सरजेश चलो। अरे क्या हो गया और कहाँ जाना है? मार्केट, तुम्हारे लिए नए कपड़े और तुम्हारे नए जूते लेने हैं, चलो। अरे नए जूते और नए कपड़े लेने की क्या जरूरत है, है तो मेरे पास सब कुछ। अरे सरजेश तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना कॉम्प्रोमाइज क्यों करने लगे हो? बताओ ना क्या हुआ है, प्लीज सरजेश बताओ ना, ऐसे मुंह मत लटकाओ। यार दीप तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि मेरी 3 महीने पहले जॉब जा चुकी है और अब कोई नई जॉब मिल भी नहीं रही है, और साथ ही तुम पूरे घर का खर्चा उठा रही हो, तो मैं तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं डाल सकता। सरजेश जब तुम कमाते थे ना तो तुमने मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, जब मेरे सूट की हल्की सी सिलाई भी खुल जाती थी ना तो तुम मुझे नया सूट ला के दे देते थे। और इतना ही नहीं, जब भी हमें किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में जाना होता था तो तुम मुझे नई ड्रेस दिला देते और बोलते थे कि तुम कभी भी कोई भी ड्रेस रिपीट नहीं करोगी। तो फिर आज मैं तुम्हें कैसे देख सकती हूँ फटे पुराने कपड़ों में? और तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी जगह कल को मेरी जॉब चली जाती तो क्या तुम मुझे कॉम्प्रोमाइज करने देते? नहीं यार कभी भी नहीं। तो फिर मैं तुम्हें ऐसी लाइफ कैसे जीने दे सकती हूँ? और मुझे एक बात बताओ सरजेश, चाहे तुम कमाओ या फिर मैं, बात तो एक ही है ना, तो फिर मैं तुम्हें एक ऐसी लाइफ कैसे जीने दे सकती हूँ? और मुझे एक बात बताओ सरजेश, चाहे तुम कमाओ या फिर मैं, बात तो बराबर ही है ना, और वैसे भी हमारा वक्त थोड़ी ख़राब चल रहा है, बस हमारे किरदार बदल गए हैं। हाँ दीप शायद तुम सही कह रही हो। और वैसे भी जब तुम्हारा बिजनेस अच्छे से चलने लगेगा ना तो मैं ये जॉब अप नहीं करने वाली, बहुत हो गया, मुझे तो अब रानियों की तरह रहना है इस घर में। हाँ जरूर। और फिर तुम मुझे एक अच्छी सी ना कार दिलवाओगे। ओके पक्का ना? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है अब चले, लेट मत करो।